मार्केट से हम तिम्मापुरी जा रहे हैं, तिम्मापुरी तक भी बैठने को तैयार नहीं हमारे पास, बस फ्री है बोल रहे। इसलिए ऑटो वाले को एक स्कीम ला को, ऑटो वाले का जो है पेट भरने की जैसे एक स्कीम लाना। जो हमेशा जो बैठने वाले के मालूम में हम फ्री बोलते ही क्या मालूम बस के लिए इंतजार कर रहे हैं, 10 मिनट हो या 15 मिनट हो कि क्या मालूम में वो लोग बस पे जा रहे हैं। अब शाम तक क्या है 100 रुपये लेके जाना पड़ता घर को, पूरा सत्यानाश कर को बैठे ऑटो वाले को। हम 10 किलोमीटर चलाने वाले गुलबर्गा छोड़ को, हमारे को बाहर परमिशन नहीं है। इसमें पूरे कांग्रेस वाले क्या करे, बस फ्री छोड़ के पूरे ऑटो वाले को सत्यानाश करे। सो ना ऑटो में कोई सीट बैठ रहे, ना कोई पैसेंजर हमारे को पूछ रहे। मार्केट ऑटो स्टैंड वाले बोल रहे हम कि ऑटो जब से बस जब से फ्री चालू है ऑटो वाले को बहुत परेशानी आ रही, ऑटो रोजी रोटी बहुत बंद हो गई, बहुत हालात खराब है। इसमें कांग्रेस वाले पूरे पूरा सत्यानाश कर को बैठे ऑटो वाले को, ना क्या भी है सहूलत नहीं है। हम 10 किलोमीटर चलाने वाले गुलबर्गा छोड़ को, हमारे को बाहर परमिशन नहीं है जाने का, 10 किलोमीटर की बड़े खाली परमिशन है हमारे को। इसमें पूरे कांग्रेस वाले क्या करे, बस फ्री छोड़ के पूरे ऑटो वाले को सत्यानाश करे। सो ना ऑटो में कोई सीट बैठ रहे, ना कोई पैसेंजर हमारे को पूछ रहे, ना क्या बोल रहे हमारे को। हम ऑटो इधर से उधर से लेके फिर रहे, हम 300 रुपये कलेक्शन ऑटो का हमारा है पूरे, इसमें हम पूरा लॉस हो जा रहे हैं। हमारे को 300 रुपये की सहूलत भी नहीं है, ना हम कमाने वाले 300-400 रुपये वो भी बंद हो गए हमारे को। जब से कांग्रेस सरकार पूरा जब चालू करने से पूरा सत्यानाश हो गया ऑटो वाले का कारोबार। कि हालात ऐसी है कि कांग्रेस वाले कुछ समझना कि ऑटो वाले को कुछ होना, कुछ देना, कुछ हेल्प करना, बड़े और खाली बस फ्री छोड़ के पूरे ऑटो वाले को पूरा सत्यानाश करे। पूरे रोड पे घर धारा कुछ भी नहीं है हमारे को, ना खाने को बड़े परेशान है। हम किराए के ऑटो चला रहे, 300 रुपये कलेक्शन है हमारा, 300 रुपये निकालना मुश्किल हो गया। हालत इसी है गुलबर्गे में। और देखे तो मार्केट में ऐसा कारोबार था, पहले फ्री बस नहीं थी तो एक पैसेंजर कोई लेडीज आके बैठती थी, कभी फुल जाने का अर्जेंट कॉलेज को जाने का रहा तो फ्री बस में ऑटो में जाते थे, कम से कम 50 रुपये किराया तो मिलता था। अब वो भी फ्री बस करने से ना कोई पूछने वाला है हमारे को। अब ऐसी सिचुएशन है हमारा कि अब कुछ तो कुछ कांग्रेस सरकार कुछ तो कुछ सोचना, नहीं बोले तो हम कल के दिन बड़ा प्रोटेस्ट करके पूरा विधानसभा में बड़ा ये करेंगे ऐलान। आप ये बोल रहे हैं वो बस जो फ्री करे हैं जी, वो सिर्फ लेडीज के लिए है। लेडीज के वास्ते बोले तो लेडीज ही हमारे पास, जब से 90% लेडीज ही बैठने वाली ऑटो में हमारे के कॉलेज जाते और स्कूल जाने वाले रहते लेडीज ही। बच्चे तो गाड़ा है उनके पास, गाड़ा पे जाते, हमारे पास जाने वाले ज्यादातर लेडीज ही। ये हमारे को ऐसा कार्य के पूरा सत्यानाश होगा। बस कहाँ पर चलती है, रोड पे चलती है, बस घर तक तो नहीं जाएगी ना। बस तो नुकसान कहाँ पे हो रहा है हमारे को, नुकसान यहाँ पे हो रहा है जब मार्केट से लेके बस तिम्मापुरी जाते हैं। एवं चाहे स्कूल है, कमर साहब का स्कूल है, वो जो स्कूल के कॉलेज ऐसे हैं वो कॉलेज के पास भी हमारे को वहाँ तक जाने का था। अब तिम्मापुरी, अब यहाँ से मार्केट से हम तिम्मापुरी जा रहे, तिम्मापुरी तक भी बैठने को तैयार नहीं हमारे पास, बस फ्री है बोल रहे। हमारे पास मार्केट से तिम्मापुरी तक जाने वाले बस फ्री है बोल के बोल रहे, हमारे को कुछ सहूलत नहीं है। बस खाली बस ये करे क्या करे, फिरेंग करके साहब खाली आए, रिबिन काटे, रिबिन काट के बस वाले को खुशी बना के अपना चले गए ना। अब ऐसी हालत हमारी ऐसी हुई जो है कि हमारे को कोई पूछने वाला नहीं है, ना ऑटो में कोई पैसेंजर हमारे को हाथ करके रुका रहा नहीं। हमारे ऑटो देखो जरा फिर के, पूरे ऑटो पूरे खाली है, एक ऑटो में पैसेंजर नहीं है, ना लेडीज छोड़ के जायज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऑटो पूरे दरबादर पूरे पटक रहे हमारे ऑटो, जरा राउंड मार के देखो आप, पूरे ऑटो देखो पूरे खाली है हमारे, ये खाली है ना। फ्री छोड़ के इनको, इनका अपना पैदा कर लिया ना, 5 साल में राज करेंगे बोल के, आप हमारे वास्ते क्या करेंगे ना, नहीं सोचे। अरे ऑटो वाले क्या होंगे, ऑटो वाले को कैसा होगा, उनके बारे में कुछ नहीं सोचे ना, खाली बस फ्री है औरतों के वास्ते बोले। हम ऑटो वाले को क्या करना है वो सहूलत करना, नहीं बोले तो हम क्या बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। वार्ड नंबर 28 संतरासवाड़ी अब्दुल इब्राहिम। आज कर्नाटक गवर्नमेंट जो स्कीम लाए फ्री बस, ये ऑटो वाले का बहुत तकलीफ है, ऑटो टैक्सी जो भी है बहुत तकलीफ है। क्यों बोले तो यहाँ सिटी में जो भी है रहने का बहुत छोटा सिटी है, इसमें ऑटो छोड़ के दूसरा कारोबार, इसमें एक तरकारी एक ऑटो छोड़ के दूसरा क्या भी नहीं। ये बस फ्री करे तो ऑटो वाले हमारे भाई लोग कहाँ जाना है, क्या भी नहीं, कारोबार नहीं हो रहे, क्या रहने। यहाँ फिरने का जो भी लोग है लेडीज फिरते ज़्यादा, क्यों बोले तो हर एक जेंट्स के पास 2 व्हीलर है, दूसरे गाड़ी है। या सिटी में फिरना बोले तो लेडीज वो फ्री करे तो हम ऑटो वाले कहाँ जाना, पेट नहीं भरे, अब 300 रुपये किराए देना और क्या, घर का जो भी है जिम्मेदार हमारे तरफ ही रहते। ये सिटी बहुत छोटा भी है और ये
फ्री बस जो है हमारे ऑटो वाले के लिए खुद कर ये गुलबर्गा सिटी में बहुत तकलीफ हुआ है, इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है ये गवर्नमेंट जो भी दे रहे हैं बहुत गरीबों के लिए दे बहुत अच्छा है, लेकिन ऑटो वाले के लिए कुछ तो भी कर को ये देना, क्यों बोले तो ऑटो यहाँ ऑटो छोड़ के दूसरा कारोबार, इसलिए ऑटो वाले को एक स्कीम ला को ऑटो वाले का जो है पेट भरने की जैसे एक स्कीम लाना। वो पब्लिक क्या मालूम ज़्यादा क्या है, थोड़ा बहुत क्या है लेडीज बस से जा रहे हैं उसके थोड़ा हमको क्या जरा कारोबार कमजोर हो गया, नहीं वो गली में चल रहा है लेकिन रोड लाइन नहीं चल रहा है, रोड लाइन नहीं चल रहा तो कारोबार कमजोर हो गया। जो हमेशा जो बैठने वाले क्या मालूम है अब फ्री बोलते ही क्या मालूम बस के लिए इंतजार कर रहे हैं, क्या 10 मिनट हो या 15 मिनट हो कि क्या मालूम है वो लोग बस पे जा रहे हैं, इसके लिए हमको थोड़ा क्या है मार पड़ रहा है कारोबार के बारे में। अभी आप बस से ऑटो चला रहे हो? मैं 22 साल से चला रहा हूँ। नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, सुबह 7 बजे से गाड़ी चला रहा हूँ, 500 रुपये मारा, 500 में क्या है मालूम है 300 रुपये कलेक्शन है, 250 रुपये गैस है, अब शाम तक क्या है 100 रुपये लेके जाना पड़ता घर को, नहीं है कुछ भी नहीं है, सरकार को सोचना चाहिए नहीं करना ऐसा ऑटो के लिए, क्या है मालूम है क्या तो ये करना चाहिए, बहुत लोग परेशान है, हाँ टोटली लॉस है, नहीं है कुछ भी नहीं है टोटली लॉस। अब वो देखो सुबह दोपहर में खाना खाने नहीं गए हम घर पे, हाँ एक सीट आ रहा एक सीट लेके जाना उतारना फिर और एक सीट लेकर आना, वही है पहले सुबह दोपहर सुबह में निकाले तो दोपहर तक 700 रुपये 800 रुपये हो जाता था, अभी 250 रुपये नहीं हो रहा, हाँ मतलब टोटली लॉस है।